सो इतने कॉल्स, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस जो आए हैं, सो ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग है. मैं तो भाई सपना पढ़ते गया एंड एग्जाम दे दिया तो आ गया. नहीं, रैंक वन का सपना मैंने ऐसे नहीं देखा था, पर हाँ ये जरूर था जो भी देना है अपना बेस्ट देना है. मैं कभी सोच के नहीं रखा था कि रैंक टू आएगा मेरा. मेरा मानना ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनो. एक प्रॉपर बैलेंस और एक प्रॉपर शेड्यूल, दैट इज द मोटो. चक्री देखा था हमने, उसी पूरे पॉइंट्स को एक चक्रव्यूह में बनाया था. चक्रव्यूह का अगर एक भी व्यू रचना अगर फेल होता है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा मेरे दोस्त, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये सारे के सारे गोल 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 गोल. चलिए, ये सब कुछ होना चाहिए इंटैक्ट. एक भी चेन टूटा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन अग्रीमेंट पढ़ा हमने एसेंशियल्स में, कि ऑफर नहीं हो तो एक्सेप्टेंस कैसे हो. ऑफर होना जरूरी है, एक्सेप्टेंस होना जरूरी है. अग्रीमेंट जो है आउटकम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का. फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है जहां मीटिंग ऑफ द माइंड्स हो, और फ्री कंसेंट कभी कभी बर्बाद हो जाता है, विटिएटेड, डिस्ट्रॉयड बाय मिस्टेक. तो मिस्टेक के बारे में हम पढ़ेंगे आगे. और कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जहाँ पर एज, माइंड, और कभी कभी दे आर डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे फॉरेन सॉवरेन्स, कॉन्विक्ट वगैरह जो है. कंसिडरेशन में ये शब्द एक बार देख लो दोस्त, ये शब्द देख लो, समथिंग इन रिटर्न. देन लेन की बात है, सिर्फ लोगे और दोगे कुछ नहीं तो नहीं, ये अनफेयर है. अनफेयर, कुछ दे रहे हैं कुछ ले रहे हैं, दोनों तरफ को कुछ मिल रहा है तब ठीक है, दोनों तरफ को कुछ मिल रहा है तो कंसिडरेशन है. लॉफुल होना चाहिए, ये जो लेने देने की बात है लॉफुल होना चाहिए. और जो काम करोगे कुछ करने का प्रॉमिस करोगे, राइट, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना. तो कुछ करने का वादा जो हमने किया वो क्या करोगे. कुछ भी काम ऐसा नहीं करना है जो आईपीसी की धारा के विरुद्ध हो, इंडियन पीनल कोड के विरुद्ध नहीं कुछ काम करना है, ठीक है. घर का जो नियम है वो नियम नहीं तोड़ना है. आज लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड
टू बी वॉइड. कैसा? जब आप कोई अग्रीमेंट बनाओगे, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो. मगर इस पे एक्सेप्शंस हैं, हम पढ़ेंगे बाद में. कुछ कुछ सिचुएशंस होते हैं जब हम ट्रेड करने से किसी को रोकते हैं. कब कब रोकते हैं? जब हम किसी को अपना फ्रेंचाइजी दिए, उसमें अग्रीमेंट है कि भाई आप 2.5 किलोमीटर तक मेरा ये काम कर सकते हो. कभी कभी जब हम ब्रांड बेच देते हैं अपना, या किसी और का ब्रांड खरीद लिया हमने, किसी को मैरिज करने से, शादी करने से रोक रहे हो, नहीं नहीं चलेगा. किसी को लीगल प्रोसीडिंग करने से रोक रहे हो, मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, और आप उसे बोल रहे नहीं नहीं मत जाओ, प्लीज मत जाओ. कौन, जैसे अगर आप चोर को पकड़ लिए हो, चोर को किसने पकड़ा? आपने पकड़ा. आप चाहते हो उस चोर के खिलाफ मुकदमा चले. क्यों चलना चाहिए? अरे भाई वो चोर है, उसे सजा मिलना चाहिए. एज सिंपल एज दैट. बट इमेजिन करो चोर आपको बोलता, अरे भाई एक काम कर, जितना मैंने सामान चोरी किया मैं आपको सब वापस दे देता हूँ, बोलोगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे देता हूँ, मेरे खिलाफ प्लीज कोई मुकदमा मत चलाओ. आप अपने दिल और दिमाग और जमीर पर एक सवाल उठाइए कि क्या आपने सही काम किया. मेरा नाम है ललन गुप्ता. चोर से अपना सामान ले लिया वापस, खुशी मना रहे हो. अरे भाई गुप्ता, ये चोर अगर तेरे पड़ोस वर्मा के घर जाके अगर चोरी कर ले तो क्या तुम खुश होगे? क्या इसी दिन के लिए तुमने उस चोर को रिहा कर दिया? जा चोर जा, मुझे तो मेरा सामान मिल गया. अब जा, जहां डकैती करना कर, जहां डाका डालना है डाल. क्या ये समाज का एक अच्छा उदाहरण हमने दिया? नहीं, हमने गलत काम किया. और इलीगल अग्रीमेंट क्या होता है? इलीगल अग्रीमेंट भी बेकार होते हैं, कभी भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता. इलीगल मतलब आईपीसी के अगेंस्ट में कुछ भी बात. मर्डर करने का अग्रीमेंट, चोरी करने का अग्रीमेंट, किसी का नाम खराब करने का अग्रीमेंट, ये सब बेकार की बातें हैं, इलीगल है. सो द अग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी ईदर इलीगल और वॉइड. लॉ बोल रहा है कि ये इलीगल है, लॉ बोल रहा है कि ये वॉइड है. जैसे किसी का शादी रुकवाना, लॉ क्या बोल रहा है? इलीगल या वॉइड? वॉइड बोल रहा है. ठीक है, वॉइड है ये. एन इलीगल अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली प्रोहिबिटेड बाय लॉ. लॉ बोल रहा है मत करना, एकदम रोक दिया गया. अ वॉइड अग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट्स. स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सर हमने ऑफर समझा, सर हम एक्सेप्टेंस समझे, सर हमने अग्रीमेंट समझा. अग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. सर यहां तक आप हमें एकदम ले आए हो. और कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं. एसेंशियल एलिमेंट्स में एक भी कड़ी टूटी तो सुरक्षा लड़ी छूटी. तीन बेसिस पर बताया गया है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पहला बेसिस बताया वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत अच्छी बात है जी, हम समझ गए हैं. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, अरे वॉइड तो अभी हमने बताया ना वॉइड क्या है. बट सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट जिसे हम एनफोर्स कर ही नहीं सकते, खोखला है. वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बन तो गया बट किसी एक व्यक्ति के साथ गलत तरीके से बना है, उसके साथ उसका कंसेंट फ्री नहीं था. तो जिस भी व्यक्ति का कंसेंट फ्री नहीं था, वो चाहे तो उसके पास एबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार करा देने का, तो उसे कहते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल अग्रीमेंट लिखा है दोस्त मेरे, इलीगल. जब भी कोई इलीगल काम कर रहे हो, जो देश का कानून आपको रोकता है, मना करता है, तो दोस्त वो कभी जिंदगी भर कभी भी एनफोर्स नहीं हो सकता है. एनफोर्सेबिलिटी का जो बटन है वो इस पे प्रेस होगा ही नहीं. तो जब भी एनफोर्सेबिलिटी का बटन प्रेस नहीं हो सकता है, तो अग्रीमेंट अग्रीमेंट में ही रह जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट शब्द का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता. इसीलिए आप देखो इलीगल के बाद आया है शब्द अग्रीमेंट और है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. अनएनफोर्सेबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो सही लग रहा है, सब कुछ सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ छोटी सी हो गई है भूल, और उस भूल के कारण ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक या कल तक सब कुछ सही था, आज
ये अनएनफोर्सेबल हो गया है, कुछ फॉर्मेलिटीज हमने मिस कर दिया होगा या कहीं ना कहीं कुछ स्क्रू ढीला रह गया है, अनएनफोर्सेबल। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बन रहा है, बनने के तरीके पे एक्सप्रेस एकदम बोल दिया हमने, लिख दिया हमने, एक्सप्रेस एकदम क्लियर, क्लियर इंडिकेशन था जी, एक्सप्रेस क्लियरिटी के साथ काम किया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, कहा कुछ नहीं, कहा कुछ नहीं, फिर भी हम कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। टैक्सी वालों को हमने बोला टैक्सी रोक, या हमने सिर्फ हाथ दिखाया, मुंह से कुछ नहीं कहा ऐसे, या कई जगह तो ऐसा होता विसिल किया और टैक्सी वाला आया रोका, आप चुपचाप बैठे बोला हावड़ा स्टेशन, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप टैक्सी चलाया हावड़ा स्टेशन, ड्रॉप किया, बोला साहब 200 रुपए, अपने बीच में कोई बात हुआ था क्या कि 200 रुपए लोगे? सर मीटर चालू था, आप देख लीजिए। तो एक इम्प्लाइड है, बिना बात किए ये माना हुआ बात है कि भाई आप टैक्सी में बैठे हो तो जो मीटर चल रही है उस मीटर के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शब्द में हमने पढ़ा है ऑब्लिगेशन, जब भी हमें कुछ करना जरूरी है, हमने वादा कर दिया है, अब उस वादा को निभाना है तो उसे कहते हैं ऑब्लिगेशन, मेरे ऊपर अब ये ऑब्लिगेशन है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां दोस्त आपस में दो पार्टी मिलके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, पर अगर फिर भी ऑब्लिगेशन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया फिर भी ऑब्लिगेशन आ गया, अरे ये कैसा बात है? मैं आपको बताता हूं ऑब्लिगेशन कैसे आता है। मेरे ऑफिस में किसी ने आज अपना वॉलेट छोड़ दिया और उस वॉलेट में था 50,000 रुपए कैश। अब आज ही ज्योतिषी ने मुझे बताया था, भाई तेरे हाथ में कुछ धन आने की संभावना बन रही है, ये पैसा मेरा नहीं है, तो ये 50,000 रुपया मेरा नहीं है। वैसे ही अगर कोई अपना कुछ भी सामान छोड़ जाए या कहीं मुझे कुछ सामान मिल जाए, या कभी कभी अगर आपके घर पर कोई मिठाई गलती से देकर चला जाए तो ये नहीं कि मिठाई खा लो, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आके आपको बोलेगा कि कोई बातचीत नहीं थी मगर फिर भी तुम्हारा फर्ज बनता था कि जाओ ये पैसे उसे देकर आओ। हाँ ये नया आया है दोस्त, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, आज का दिन में तो आपको मालूम है ना, मोबाइल फोन से फ्लिपकार्ट अमेजन में कुछ भी ऑर्डर कर दिया या कुछ खरीद लिया, कॉमर्स ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट पता है आप लोगों को, बस सिर्फ हल्का सा पढ़ना है। और क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड, सो व्हेन यू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट यू आर सपोज टू परफॉर्म व्हाट प्रॉमिस यू मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर आपने वो प्रॉमिस पूरा कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, तो जब हमने पूरा वादा पूरा कर दिया है उस सिचुएशन पे कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी, दोनों ने अपना वादा पूरा कर दिया, दोनों ने वादा पूरा किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, पास्ट टेंस एग्जीक्यूटेड, नथिंग टू वरी। एग्जीक्यूटरी इसका मतलब यह कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है मगर अभी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस बाकी है, एग्जीक्यूटरी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो यूनिलैटरल मतलब अगर दो पार्टी है, दो पार्टी में से एक पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया है, ठीक है, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, आपका काम अभी बाकी है, ठीक है, आपने अपना फीस दे दिया है पूरा, एडवांस में हमने फीस ले लिया है, अब मुझे पढ़ाना बाकी है, ये क्लियर है अब आपको, आपने अपना काम कर दिया, मुझे मेरा काम करना बाकी है, यूनिलैटरल, ठीक है। फ्लाइट का टिकट आपने ले लिया, पैसे दे दिए, आपने अपना काम कर दिया, अब फ्लाइट वाला आपको उड़ा के लेकर जाएगा, उनका काम बाकी है। बायलैटरल अभी दोनों का काम बाकी है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद रीड करते हैं, एन अग्रीमेंट विच इज बाइंडिंग एंड एनफोर्सेबल इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट कंटेन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, सीजेस
सांसें रुक गई इस कॉन्ट्रैक्ट की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, लॉ इस कॉन्ट्रैक्ट पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, लॉ एनफोर्स नहीं कराएगा। अरे भाई ऐसा क्यों? ये अभी तक अच्छा भला था, कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है। जब भी हम बोलेंगे कि एनफोर्सेबल नहीं हो सकता है, कानून मदद नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं वॉइड। मिस्टर एक्स अग्रीज टू राइट अ बुक विथ अ पब्लिशर। After few days, X dies in an accident. Here the contract becomes void due to impossibility of the performance of the contract. कहने का मतलब यह है कि कोर्ट एनफोर्सेबल नहीं, कोर्ट एनफोर्स नहीं करेगा, और या उसको रिवर्स भी समझ सकते हैं, कैसे एनफोर्स कराओगे यार? It ceases to be enforceable. जो व्यक्ति मर चुका है, उस मरे हुए व्यक्ति को दोबारा जिंदा करके तो नहीं बोलोगे ना भाई तूने वादा किया था मेरा ये बुक लिखे बिना कैसे टपक गए, नहीं बोल सकते आप, ठीक है? सो एनफोर्सेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट धरा का धरा रह गया यार। कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई आप कॉन्ट्रैक्ट था तो था, वो तो भैया आप नहीं रहे, ठीक है? तो अब कुछ नहीं हो सकता। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर। अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा वहां वर्मा जी नहीं रहे, अब यहां क्या है, व्यक्ति नहीं रहा, व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट था व्यक्ति के साथ, व्यक्ति रहता तो बुक लिखता, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ओनर के साथ, मगर उसके साथ जुड़ा हुआ है फैक्ट्री। व्यक्ति तो जिंदा है इस केस में, फैक्ट्री मर गया मेरे भाई। देखो कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी ओनर ऑफ द फैक्ट्री फॉर सप्लाई ऑफ 10 टन्स ऑफ शुगर बट बिफोर द सप्लाई इज अफेक्टेड फायर कॉट इन द फैक्ट्री। ओ माय गॉड, मैं बर्बाद हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई एंड एवरीथिंग वॉज डिस्ट्रॉयड, सब के सब, सब जल के खाक हो गए। Here the contract becomes void. कैसे enforce कराओगे? जज साहब फैक्ट्री जल गई है, कहां से शुगर दूं? इतना ही enforce कराने का इच्छा है तो भैया जज साहब पैसे दीजिए, नया फैक्ट्री खड़ा करता हूं, इस भाई साहब को 10 किलो चीनी जरूर दूंगा। It may be added by way of clarification, ये एक important clarification दिया जा रहा है दोस्त, कि जब कोई चीज void है, enforce हो ही नहीं सकता, तो contract शब्द क्यों डाला दिया इसमें, क्यों? जब कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में तो बोला था ना कि एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट है। कैसी दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड है, एनफोर्सेबल है ही नहीं, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों कह रहे हैं? ये किसी के दिमाग में आया अभी तक? आना चाहिए था ना, आया तो विश्वास करो एक कैडबरी भेजूंगा मैं, ईमानदारी से मुझे अपना एड्रेस दोगे एक कैडबरी आपको भेजूंगा मैं, ठीक है? और ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। अगर कैडबरी नहीं दिया तो मैं पहले ही बता दे रहा हूं, कोर्ट में मत चले जाना कि सर आपने वादा किया था, ठीक है? सो इट मे बी एडेड बाय क्लेरिफिकेशन हियर दैट व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, बट फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग इट, इट हैज टू बी कॉल्ड void contract. अब हमें पढ़ना है void able, जहां ability मिलती है दोस्त, contract को हम खालिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। void able, मेरे पास ability है, special power है। Section 2I defines an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others, is a void able contract. So party and person को more or less लोग एक ही मान रहे हैं, तो एक situation ऐसा है जहां option एक party के पास है, इसको एक बार singular form में समझो, एक party के पास option है enforce कराने का, दूसरे party के पास option है ही नहीं,
दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है एनफोर्स कराने का। ऐसा कब होता है कि दूसरे पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है? जब दूसरा पार्टी, सेकंड पार्टी एनफोर्स कराने चाह रहा है, एनफोर्स समझ लो फर्स्ट पार्टी के माथे पे बंदूक लगाकर 1 करोड़ का प्रॉपर्टी 20 लाख में ये खरीद रहा है। गलत काम सेकंड पार्टी ने किया है। सेकंड पार्टी जब भी कुछ गलत काम करेगा तो क्या उसका हिम्मत रहेगा दोस्त कोर्ट के पास जाके कुछ बोलने का? मगर अगर समझ लो ये सिचुएशन कब आएगा कि ये सेकंड पार्टी को कोर्ट के पास जाना पड़ सकता है? तभी आएगा जब फर्स्ट पार्टी काम करने से मना कर दे रहा है, जाओ नहीं करता। अगर फर्स्ट पार्टी ये काम कर दे, सेकंड पार्टी के दबाव पे फर्स्ट पार्टी ने ये काम कर डाला, तो सेकंड पार्टी की तो मौज हो गई। ये फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो हम नाम ले लेते हैं, इसको समझते हैं। है बहुत इजी, बट लॉ का लैंग्वेज को जब हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी का बात कर रहे हैं। सिंपल सा कहानी ये समझो, अशोक और यहां है जग्गन। जग्गन ने जो कि क्रिमिनल इंसान टाइप का व्यक्ति है, अशोक के पास गया, अशोक को कहा कि तुम मुझे अपने फैक्ट्री से 2 करोड़ रुपया का ब्रिक्स दो। ये ब्रिक्स सप्लायर है अशोक, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर। जग्गन लोकल गुंडा है जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है। 2 करोड़ का ब्रिक्स जग्गन को चाहिए 20 लाख रुपए में, और जग्गन ने बंदूक रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया। बंदूक रखकर 20 लाख रुपए में अशोक ने मजबूरी में साइन कर दिया कि मैं 2 करोड़ रुपया तक का वैल्यू का ईटा जग्गन तुम्हें सप्लाई करूंगा। अब दोस्त सिचुएशन क्या हो सकता है? इधर अशोक सप्लाई कर देगा, सप्लाई अगर कर दिया तो अशोक ने अपना कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन निभा दिया। अशोक अंदर ही अंदर दुख मनाएगा कि भाई जग्गन ने मुझे लूट लिया। जग्गन खुश होगा कि देखो मैंने बंदूक के ताकत पे अशोक से 2 करोड़ का ईटा ले लिया और सिर्फ 20 लाख रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो ही गया है, अशोक ने ईटे दे ही दिए हैं, जग्गन को मिल गया है, तब तो यार कोई झमेला है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। मगर इमेजिन करो अशोक के अंदर हिम्मत आई, अशोक को धमकी दी गई थी, ये अशोक अगर मुझे मेरे ईटे नहीं मिले, ईट से ईट बजा दूंगा, मैं तुम्हारे बेटे को भी किडनैप कर सकता हूं। सेंट थॉमस हाई स्कूल में पढ़ता है ना, शाम को 3 बजे छुट्टी होती है ना, अपन को सब मालूम। अशोक भाई साहब घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, मगर फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि सप्लाई करें, इस कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड करना चाहते हैं। He wants to avoid the contract. Who? Of course, अशोक चाहेंगे अवॉइड करना। क्या जग्गन कभी भी चाहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करना? जग्गन कभी भी नहीं चाहेगा। कौन चाहेगा? अशोक चाहेगा। अशोक ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई
और वो चाह रहा कि इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं वॉइड करार कर दूं। बेसिकली वॉइड का मतलब क्या है? वॉइडेबल कर दूं, मतलब मैं जा ये काम नहीं करता, तुम्हें ईटे नहीं देता, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया ना, चाहो तो भी नहीं देता मैं। अब जग्गन क्या आपको लगता है कि कोर्ट में जाएगा कि देखो जज साहब, क्योंकि अशोक हमेशा, अशोक के पास एक पावर है कि जज साहब मैं क्या करता, इसने बंदूक मेरे माथे पे बंदूक रख दी, जज साहब मैं क्या करता। बंदूक रखकर उसने जोर जबरदस्ती करके, मेरा कंसेंट, मेरा यस, फ्री कंसेंट नहीं था जज साहब। तो जग्गन तो कोर्ट में जाएगा नहीं, मगर अशोक चाहे तो जा सकता है। अशोक जाके जज को बोलेगा। जग्गन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर जग्गन कोर्ट में चला भी जाता है तो उसे मालूम है कि अशोक का रिप्लाई क्या बन सकता है जज के सामने। और अशोक का रिप्लाई सुनकर, क्योंकि बंदूक रखकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट का काम हुआ है दोस्त, गलत काम हुआ है, आईपीसी के अगेंस्ट वाला काम हुआ है। तो कोर्ट बोलेगा, अशोक बेटे, अशोक चिंता मत करो, तुम तो इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो गए हो। एंड द कोर्ट एडवाइजेस द स्टेट टू कंडक्ट एन इंक्वायरी एंड स्टार्ट अ केस अगेंस्ट मिस्टर जग्गन अंडर आईपीसी सो एंड सो। तो ये है दोस्त। तो एक इंसान, एक पार्टी या वन और मोर पार्टीज, अशोक के साथ समझ लो पार्टनरशिप बिजनेस था, तो अशोक के जो पार्टनर्स है, वन और मोर पार्टीज, दे हैव द ऑप्शन टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट टोटली अवॉइडेड। तो ये वॉइडेबल बन जाएगा। मगर अगर डर के काम कर दिया तब तो कर ही दिया। एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स। इसका मतलब है कि ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी के पास पावर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को हम टोटली अवॉइड कर देंगे, दूसरे पार्टी के पास वो पावर नहीं है, ठीक है। दिस इन फैक्ट मीन्स वेयर वन ऑफ द पार्टीज टू एन अग्रीमेंट इज इन द पोजिशन और इज लीगली एंटाइटल्ड और ऑथराइज्ड टू अवॉइड परफॉर्मिंग हिज पार्ट। आप अपना परफॉर्मेंस जो है नहीं करोगे, आप 2 करोड़ का ईटा आपको सप्लाई नहीं करना है। देन द अग्रीमेंट इज ट्रीटेड and becomes voidable. Such a right might arise from the fact that the contract may have been brought about by one of the parties. इसका मतलब यह है कि contract one of the parties कैसे आया है, by coercion. ये जो अभी discuss किया हमने, जो case आपको बताया, ये case था दोस्त coercion का। और भी cases हम पढ़ेंगे इसमें, undue influence. अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी समझाएंगे, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, एंड हेंस द अदर पार्टी हैज द राइट टू ट्रीट इट एज वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड मतलब जो खोखला है, जो गलत है, जो होना ही नहीं चाहिए था। वॉइड एबल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, गलत तरीके से बन गया है, अब मैं उसे वॉइड करार करा दूंगा। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब बना था कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, मैं पब्लिशर को बोला था कि मैं किताब लिखूंगा, इस समय तक तो सब कुछ सही था, अब जब मैं रहा ही नहीं तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी आ गई, मैं नहीं हूं, आई एम नो मोर, I am dead. I am in another world, far from this stupid world, enjoying in another world. उस वर्ल्ड में कोई किताब लिखना नहीं। पब्लिशर तू आ सकता है तो आ मेरे पास, पहुंच सकता है तो पहुंच, उसे तुम्हें मरना पड़ेगा पब्लिशर,
तो अब ये इम्पॉसिबल हो गया, पब्लिशर इम्पॉसिबल, सुपर विनिंग इम्पॉसिबल हो गया, फैक्ट्री में आग लग गई इम्पॉसिबल। कभी कभी ऐसा भी होता है जब अग्रीमेंट बना था उस समय सब कुछ सही था, बाद में इलीगल हो गया, इलीगल हो गया। समझ लो मेरा चीनी का फैक्ट्री है, चीनी का फैक्ट्री, और गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि चीनी में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो कुछ होर्डिंग कर रहे हैं, चीनी का प्राइस को रेगुलेट कर रहे हैं, बढ़ा के बेच रहे हैं। और गवर्नमेंट ने कहा अभी से लेके 3 महीने तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है चीनी खरीदने और बेचने के, सब के सब रक्त, अभी कोई भी कंपनी किसी को भी चीनी नहीं बेचेगा। अभी अगर आप चीनी बेचते हो तो आप देश के कानून के खिलाफ जाकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बात को नहीं मानकर अगर आप ये काम करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा चलेगा, सजा मिलेगा, इलीगल है, आज से चीनी बेचना इलीगल है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था सब के सब किसने कैंसिल कर दिए, बाप ने। कौन है बाप? गवर्नमेंट। जैसे पिताजी ने अगर कुछ कहा कि नहीं अब नहीं चलेगा, तो बच्चे अब तुम लोग जो भी आपस में तय किए, तो मैं बाप हूं तुम्हारा, मैंने कह दिया है, नहीं तो मतलब नहीं। तो जब तक बच्चों ने डिसाइड किया था सब ठीक था, मगर बाद में बाप बिग बॉस, बिग बॉस जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बिग बॉस है, लॉ गवर्नमेंट के हाथ में है, इलीगैलिटी हो गया, इलीगल हो गया, अब ये काम नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। तो जो कल तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, आज के दिन उसका ढांचा बदल के वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में बन गया। तो समझ में आ चुका है आपको रेप्यूडिएशन का मतलब क्या? रेप्यूडिएशन का मतलब है कैंसिलेशन, रेप्यूडिएशन ऑफ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रेंडर्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ऑफकोर्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हमने कैंसिल कराई दिया तो ऑफकोर्स वो भी वॉइड हो गया, खोखला हो गया। सिमिलरली अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, अब देखो बड़े बड़े शब्द आ रहे हैं दोस्त, कंटिंजेंट, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बैंकॉक गया, अगर मैं बैंकॉक गया तो भाई तेरे लिए मैं ये ला दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है मेरे तेरे बीच में, अगर मैं गया, और अगर मैं नहीं गया, कंटिंजेंट मतलब अगर एंड मगर, ठीक है। अब मैं बैंकॉक गया ही नहीं क्योंकि मैं तो मर गया, अब मैं बैंकॉक जा ही नहीं सकता, तो जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट था अगर मैं जाता तो ये करता, अब मैं जाऊंगा ही नहीं तो बात खत्म। तो सिमिलरली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माइट बिकम वॉइड व्हेन द अकरेंस ऑफ द इवेंट। अगर मैं जाता, एक अकर होता, ये इवेंट अकर होता कि नाउ आई एम इन बैंकॉक, मैं हूं नहीं, अकरेंस ऑफ द इवेंट ऑन विच इट इज कंटिंजेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। अब सिचुएशन जिस बेस पर हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था वही बेस ही अब नहीं रहा, तो ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट का क्या वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। ऑन द अदर हैंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वुड रिमेन वैलिड अंटिल इट इज रिशिंडेड, रिशिंडेड मतलब कैंसल्ड, बाय द पर्सन हु हैज द ऑप्शन टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल। दो में से एक आदमी के पास ऑप्शन है, जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि मैं इसे वॉइडेबल ट्रीट करना चाहता हूं। दूसरे आदमी के पास ऑप्शन क्यों नहीं है? अरे भाई वही तो मैं बोल रहा हूं, जगन, जगन क्यों चाहेगा कि 2 करोड़ का ईटा जो 20 लाख में मिल रहा है उसे वॉइडेबल क्यों कराना चाहेगा? कभी भी नहीं चाहेगा। तो यस, तो एक इंसान के पास ये ऑप्शन है। द राइट टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल डज नॉट इनवैलिडेट द कॉन्ट्रैक्ट अंटिल सच राइट इज एक्सरसाइज्ड। नॉलेज इज पावर, पावर है मेरे पास, उस पावर को यूज नहीं कर रहा हूं। जब पावर को यूज नहीं करोगे दोस्तों, उस पावर का क्या काम? बाइक की चाबी है मेरे पास मगर मैं फिर भी पैदल जाऊंगा, तो बाइक का क्या फायदा हुआ? तो कहानी यही है, कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट कराने के लिए जो राइट आपके पास है उस राइट को यूज करिए आप। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कॉज्ड बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, misrepresentation are voidable. Generally a contract caused
by mistake is void. अगर mistake हुआ है तो वो तो void है, बाकी जो है void able है. क्यों? शुरू में ही हमने कहा था meeting of the minds. Mistake एकदम clear है तो mind तो मिला ही नहीं. और coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, ये सब में क्या है? जोर जबरदस्ती दिमाग को बताया जा रहा है कि मिल गया है, बट बाद में जब मैं बोलूंगा नहीं मेरा दिमाग नहीं मिला, मैं यस दिल से नहीं कहा, जबरदस्ती कहा, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो सकता हूं. एज राइट्स ऑफ द पार्टीज, एक कॉन्ट्रैक्ट में राइट होता है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टी को कुछ राइट्स मिलते हैं. अब डिस्कस करते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल में दोनों पार्टियों के पास क्या राइट्स रहता है. एज रिगार्ड टू द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इन द केस ऑफ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो लीगल रेमेडी. कोई लीगल रेमेडी नहीं, अरे भाई अब तो वॉइड है, जाओ यार, क्या लीगल, जो मर चुका है यार, अब क्या उसकी जान तो जा चुकी, अब क्या और क्या लोगे. फॉर द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट cannot be performed in for the parties, no legal remedy for the parties, as the contract cannot be performed in any way, कोई भी तरीके से contract perform नहीं हो सकता. मगर in the case of void able contract, the aggrieved party, जिसके साथ गलत हुआ, किसके साथ गलत हुआ उस ईटा वाला example में, हमारे भाई अशोक के साथ, has the right to rescind it, cancel it within a reasonable time. ये बहुत important है. देखिए, if it is so rescinded, it becomes void. If it is not rescinded, cancel नहीं करा रहे हो, तो it is a valid contract. अब मैं चाहता हूं कि ये 1, 2, 3, 4 आप पढ़िए. समझा दिया मैंने आपको अच्छे से और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये मैं आपको सेल्फ स्टडी मोड में छोड़ देता हूं दोस्त. पढ़िएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि अब सीए फाउंडेशन में आपको लिख कर आना है. इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वैसे हमने कई बार बताया आपको, जो आईपीसी के अगेंस्ट में है, ठीक है. इंडियन पीनल कोड को देखिए आप, ठीक है. जहां मुझे रोकना है मैं रोकूंगा, चिंता मत करिए. ये सेक्शंस पे आ गए हम, पनिशमेंट्स पे आए हैं. प्राइवेट डिफेंस के कुछ राइट है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये देखिए एकदम अलग अलग, ये सब कितने सेक्शंस लगते हैं. अगर आप कुछ स्टेट के खिलाफ, देश के खिलाफ कुछ कर रहे हो, ये सब सब आईपीसी के अगेंस्ट में. वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडिंग एस्केपिंग ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच अ प्रिजनर, collecting arms etc with the intention of waging war against government of India, conspiracy to commit offences punishable by section 121. army ke khilaf agar aap kuch kar rahe ho, desh ke army ke khilaf, abetting mutiny or attempting to seduce a soldier, sailor, airman from his duty, ye sare ke sare इलीगल. अगर आप ये सब कुछ भी काम कर रहे हो इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट में जाके कर रहे हो, तो एकदम इलीगल काम है. ये हम आपको हमारे एलएमएस में इसका लिंक मिल जाएगा, आप आराम से फुर्सत में देखिएगा. ये सब देखना चाहिए जब आप लॉ पढ़ रहे हो. पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या, पब्लिक में जो शांति बना रहना चाहिए. अगर आप अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो, असेंबली सेक्शन 141 आईपीसी के तहत आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है. अनलॉफुल असेंबली, being member of unlawful assembly section 142 punishment, joining unlawful assembly armed with deadly weapon, joining or containing an unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, write kar rahe ho, punishment for writing, ye sab alag alag section mein likha hua, writing ka punishment kya hai, to ye sab aap dekh sakte ho.
फॉर्ज डॉक्यूमेंट। सो कहने का मतलब है अगर कोई भी आप काम ये सब कुछ भी कर रहे हो, इतने सेक्शंस में से आप कुछ भी कर रहे हो, तो ये इलीगल है। इलीगल को समझ चुके हो आप, इलीगल बातें को कोर्ट कभी भी वैल्यू नहीं देगा। Thank you.
Thank you.